हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो टमेटो फ्रॉम सीड्स। अब देखें, हमने एक छोटा सा पैकेट बाय कर रखा है जो नियरली 5 रुपीज़ के आसपास का मिला है और हमें 5 रुपीज़ में इतने सारे सीड्स मिल चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम इन्हें कैसे ग्रो करेंगे। तो हमारे पास एक टम्बलर होना चाहिए, एक छोटा सा बकेट होना चाहिए जिसमें अच्छे खासे ड्रेनेज होल हो, और इसी ड्रेनेज होल को हम कवर करेंगे सैंड से। सैंड से इसलिए कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही वेल ड्रेन होता है। अब दोस्तों हम हमारे सीड्स पैकेट में से निकाल देते हैं। सो दोस्तों, ये वो सीड्स है जो ग्रॉसरी स्टोर पर मिलते हैं, ना कि हम हमारे घर पर टमाटो में से निकालते हैं। ये दोस्तों इनमें प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमने ये सीड प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए अब सॉइल मिक्सचर के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं क्या परफेक्ट सॉइल मिक्सचर रहेगा। दोस्तों सॉइल मिक्सचर में हमारा नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल है, कोकोपीट है और वर्मी कंपोज है। हम फर्टिलाइज़र के तौर पर हम वर्मी कंपोज का यूज़ कर रहे हैं और जो कि हल्का फुल्का वेट है। चलिए इन मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं। रेशियो 40% 40% एंड 20% रेशियो है। चलिए अब हम हमारे पॉट को फिलअप कर देते हैं। इतना वेट करना है कि इसका टॉप लेयर थोड़ा सा गीला हो जाए, बस इतना इनफ होगा दोस्तों। अब हमारे जो सीड्स है वो डालने की बारी आ गई है। थोड़ा सा वाटर स्प्रे करेंगे जिससे सीड भी स्टेबल हो जाए। ओके, अब हम इसमें 1 इंच की लेयर डालेंगे सॉइल की। अब दोस्तों हमें सॉइल मिक्सचर है उसको भी गीला करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए दोस्तों हम मेथड यूज़ करेंगे ये वाला, जिसमें हम एक बड़ा बकेट में पानी भर के रखते हैं और उसके बाद हम हमारे जो एक्चुअल पॉट होता है उसको उसके अंदर रख देते हैं। इसको रिवर्स सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। आप आहिस्ते से रख दीजिए, धीरे धीरे जो ड्रेनेज होल है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा और हमारा सॉइल मिक्सचर है वो पूरा अच्छे से गीला हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये इजीली फ्लोट कर रहा है, ये ऑटोमेटिक नीचे सेट हो जाएगा जैसे जैसे वाटर इसके अंदर आता जाएगा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं रिजल्ट कितने दिन में मिलता है। दोस्तों 15 दिन में हमें ये रिज़ल्ट मिला है। छोटे 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 टमाटो के प्लांट्स उगने लग गए हैं, कुछ 2 लीफ के साथ हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल लीफ अभी खिलने में हैं, कुछ अभी फ्लेक्सिबल हैं, अभी मुड़ रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये सब सीधे हो जाएंगे। और दोस्तों 15 दिन में हमें ये रिज़ल्ट मिला है। आफ्टर 22 डेज़ हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों आप देखें, हमारी छोटी छोटी सीडलिंग थी वो काफ़ी बड़ी हो गई है, और जो 2 लीफ थे उनके सेंटर में एक छोटी लीफ और निकलने लग गई है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये वाला पार्ट सीडलिंग का बहुत ही खूबसूरत होता है, जब तीसरी लीफ निकलने लग जाती है इसका मतलब होता है हमारी सीडलिंग सक्सेसफुल जा रही है। तो 22 डेज़ में हमें यह रिज़ल्ट मिलता है टमेटो सीडलिंग का। सो आफ्टर 30 डेज़ दोस्तों हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, और हमारे सीडलिंग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। इस समय भी हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हम कुछ दिन और वेट करेंगे, थोड़े से सीडलिंग की हाइट और बढ़ जाएगी जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे सीडलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो कुछ दिन के बाद हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ दिनों के बाद हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से निकालना है, आपको इस तरह से इनकी रूट्स निकालनी है और हमारे इस पॉट के अंदर इसे ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आप रूट्स को डायरेक्टली निकाल देते हैं तो भी प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि ये सीडलिंग है। तो आपको बस इस तरह से प्लांट रखना है और अच्छे से दबा दीजिए। और दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि एक पॉट में मैक्सिमम 2 लगाइए, इससे ज़्यादा ना लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमारे टमेटो प्लांट के अंदर। और अगर इस सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसमें नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल है, सॉइल थोड़ी सी गीली है, इसमें कोकोपीट, नॉर्मल गार्डन टॉप सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का अच्छा सा मिक्सचर है। मैं एक और लगा देता हूँ। अच्छे से वाटर दीजिए और कुछ ही दिनों में जैसे ही इनकी हाइट नियरली 1.5 फीट के आसपास हो जाएगी और हमारे पास अच्छे अच्छे टमाटो के प्लांट्स होने लग जाएंगे। दोस्तों मैं आपके लिए एक और सीड लेके आया हूँ, बहुत ही स्पेशल सीड्स है टमाटो प्लांट का, वो वाला वीडियो मिस मत करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वाले सीड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉस्टली वाले सीड्स है। तो आप वेट करिए मैं कब वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।